प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि अक्सर इसका परसेंट बहुत मिलता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, हाइपर हाइड्रोसिस। ये क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मल तो पसीना ऐसे चलता ही है, कब? जब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है, जब बाहर का टेम्परेचर हॉट हो, या जब एक्सरसाइज करते हैं। तो जब भी इंटरनल टेम्परेचर जब इंक्रीज होती है, जब भी इंटरनल जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, तो या जब वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, पसीना चलना स्वाभाविक है, चलता है। क्यों चलता है? तो स्वेट जो होती है हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये स्वेट हमारी स्किन में दो तरह के ग्लैंड से बनते हैं, एक राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड। जो एक राइन ग्लैंड होती है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 25 लाख स्वेट ग्लैंड होते हैं, उसमें से 70% जो होती है वह एक क्राइन ग्लैंड होती है। अब वही क्राइन ग्लैंड जो होती है वह क्या होती है, डायरेक्ट स्किन पे ओपन होती है ना। और जो एप्रोक्राइन ग्लैंड जो होती है वह क्या होती है ना, वह हेयर फॉलिकल के साथ हुआ ओपन होती है, हेयर फॉलिकल के साथ ओपन होती है। तो हम लोग बात जो कर रहे हैं वो ई क्राइन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम जो हाइपरहाइड्रोसिस में मैक्सिमम मरीज जो होती है वो पाम एंड सोल से परेशान रहते हैं ज्यादा। यानी ऐसा मरीज मिलेगा जिसको बोलते हैं कि ज्यादा उसका हाथ और पैर से ज्यादा पसीना चलता है उसको, वो ज्यादा परेशान रहता है। खास करके इसमें स्कूली बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं, वो न पढ़ पाता है ना लिख पाता है ना, ज्यादा उसका इतना ज्यादा पानी निकलते रहता है उसके हाथ से, जिसके वजह से वो कई तरह के मतलब साइकोलॉजिकल से सफर करना चालू कर देते हैं। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाइपरहाइड्रोसिस होता क्या है। तो जब किसी कारण से अनयूजुअल, बिना एक्सरसाइज का, बिना टेम्परेचर बढ़े हुए, जब हमारे बॉडी से जब एक्सेस पसीना निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्वेटिंग होती है वो पाम से ज़्यादा होता है। चलिए आइए बात करते हैं इसके साइट पर। कॉमनेस साइट इसका पाम होता है, दूसरा इसका सोल होता है, और कभी नेक भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, लेकिन पाम जो होती है उसे सबसे कॉमनेस्ट होती है इसमें। चलिए अब ये होता क्यों है इस पर थोड़ा ध्यान दे दें। देखिए, सबसे पहला कि ये जो डिजॉर्डर है ज़्यादातर ये स्कूलिंग चाइल्ड में ज़्यादा मिलता है, या फिर एडोलेसेंट एज में ज़्यादा मिलता है, 15, 15 ईयर, 16 ईयर, 18, 19, 20। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन हार्मोन से है या न्यूरॉन से है। तो यस, ये ज़्यादातर जो हाइपरहाइड्रोसिस होती है उसका ज़्यादातर जो कॉज होता है वो न्यूरोलॉजिकल कॉज ज़्यादा होता है। देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जिसमें फियर के कारण कोई ऐसा जो बच्चा है वो किसी टीचर से हो या किसी और पर्सन से हो, वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिप्रेस कर जाता है, ज़्यादा डर हो जाती है। न्यूरॉन क्या करता है कि स्किन पर जो इक्राइन ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट कर देता है, और इसके कारण जो होती है पसीना ज़्यादा बनता है। तो ज़्यादा केस हम लोग देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कॉज में ज़्यादा होता है, ये स्वेटिंग ज़्यादा होती है। दूसरा होता है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल में क्या है कि जैसे मान ली प्यूबर्टी के समय क्या होती है, एडोलेसेंट में बहुत सारे नए नए हार्मोन बनते हैं, तो एक्सेस हार्मोन अगर किसी तरह का बनने चालू हो जाता है तो उस केस में कभी कभी ऐसा केस मिलता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन प्रॉब्लम्स। अगर थायरॉक्सिन का अगर फंक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो उस केस में भी कभी कभी ये देखने को मिलता है। कभी कभी होता है एस्ट्रोजन का लेवल एकदम घट जाता है, तब जैसे मान लीजिए जैसे मेनोपॉज के केस में ज़्यादा होता है, रेड हॉट फ्लशिंग फिर मिलती है इसमें। ऐसे कब होता है, जब एस्ट्रोजन बहुत घट जाता है तो उस केस में हाइपोथैलेमस का रिलीफ फंक्शन डिक्रीज कर जाती है, वहाँ भी कभी कभी वहाँ पर 500 से ज़्यादा पसीना आने लगता है। नेक्स्ट आते हैं इन्फेक्शन आते हैं, बी कोलाई के इन्फेक्शन से या ई कोलाई के इन्फेक्शन से भी देखा जाता है कि यहाँ से जो था पसीना ज़्यादा चलता है हुआ है ना, ये भी कॉज होता है। नेक्स्ट आता है शुगर की अबनॉर्मलिटी से, जैसे सडन अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाती है तो वहाँ भी एक कॉज देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ कॉज होते हैं जो कि पाम से ज़्यादा पसीना निकलता है, और ज़्यादा होता है न्यूरोलॉजिकल ज़्यादा मिलता है इसमें। सिम्टम क्या मिलता है, सबसे पहला तो कि डिहाइड्रेटेड होगा, पानी ज़्यादा निकलेगा बॉडी से, प्यास ज़्यादा लगेगा पेशेंट को, पोलीथ्रस्ट होगी, ये तो कंडीशन ज़्यादा होती है, पोलीडिप्सिया जिसको बोलते हैं। इसके बाद वीकनेस ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस करेगा तो वीकनेस हो जाएगी पेशेंट को। इसके बाद फिर क्या होता है, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होगी वहाँ पर, साइकोलॉजिकल डिप्रेस हो जाते हैं, काम नहीं हो पाएगा उससे, वर्किंग पावर लॉस कर जाता है इसका, क्योंकि कैसे काम करेगा, अब वो लिख नहीं पाएगा तो मालिक लिखते समय पूरा कॉपी भीग जाएगा, किताब भीग जाता है पढ़ते समय, इसलिए क्या होते हैं कि उसके सारे फंक्शन का डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसका फिर इन्वेस्टिगेशन पे, हम लोग क्या जाँच करते हैं, तो स्किन का जो प्रेशर होता है उसका जाँच कर देख लेते हैं
स्वेट ग्लैंड का हम लोग जांच करके देते हैं, स्वेट का हम लोग कल्चर करके देख लेते हैं हम लोग कैसा तो नहीं कोई उसमें कोई कंपोजिशन ज्यादा अबनॉर्मल होती है, कोई इन्फेक्शन हो चुका है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन मेन डायग्नोसिस होती है। अब आते हैं बात इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सबसे पहला मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रॉपर वाटर इंटेक कराते हैं इसको, और प्लस अगर कोई फियर है तो फियर से उसको हम लोग दूर भगाते हैं, उसको कंसोलिडेट करेंगे, मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज कराते हैं, एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करते हैं मरीज को, एक्सरसाइज करो ताकि बॉडी का दूसरा स्वेट ग्लैंड अच्छा से काम करेगा, ये स्वेट ग्लैंड जो अबनॉर्मल हो चुकी है दूसरा स्वेट ग्लैंड को तो हम लोग फंक्शन बढ़ा दें, क्योंकि दूसरा स्वेट ग्लैंड फंक्शन अगर चालू हो जाएगी ना तो ये फंक्शन अपने नॉर्मल पे आ जाएगी, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है इसमें। बाकी जो होती है फिर हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन आते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन में सेलेसिया बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, इसमें सेलेसिया देते हैं। नंबर टू एल्युमिनियम क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग कोई भी हम लोग क्रीम लगा सकते हैं मरीज को, इससे जो होता है वो हाइपरहाइड्रोसिस होती है वो बंद हो जाती है। और फिर दूसरा नेट्रोम्यूर्स, नेट्रोम्यूर ग्रुप्स की जो दवा होती है वो भी चलाते हैं, एलुमिना है ये भी देते हैं, तो ये सब जो होता है दवा बहुत अच्छी काम करती है और इससे हाइपरहाइड्रोसिस कंट्रोल में हो जाता है। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।